के बाप को भी माना मंत्री, मुख्यमंत्री माना, बीवी को भी माना, अब बेटा को भी मान लो, लेकिन हम इतना पढ़े शिक्षित लोग हैं, हमारी बात क्यों नहीं मानोगे? जिंदगी का हर लम्हा साथ में गुजारा था, आज मैं पराया हूँ, कल तो मैं तुम्हारा था। देखिए, नीतीश कुमार भी अहंकारी है, लालू भी अहंकारी है, उनके औलाद भी अहंकारी है। अगर सरकार उसको खोज रही है तो बिल्कुल दुरुस्त खोज रही है, यानी कि सही कर रही है, सही कर रही है, यानी कि आप समर्थन में हैं। हम समर्थन में है कि वो अगर जो संपत्ति, यानी केंद्र सरकार जो काम कर रही है वो सही कर रही वो है, वो संपत्ति अगर मुसलमानों के वक्त क्या था, अगर उस संपत्ति का बंटवारा, उस संपत्ति का जो उपज उस आम जनता तो हो जाती, तो आज कोई भी मुसलमान बेघर नहीं होता। प्रशांत किशोर इन दिनों बिहार की राजनीति में एक्टिव हैं और लगातार ये रुचि दिखा रहे हैं कि किसी भी तरह से बिहार को बदला जाए, और बिहार को बदलने के लिए जो रोडमैप तैयार कर रहे हैं कि किसी भी परिस्थिति में इन तमाम पार्टियां, जो कि एनडीए हो या फिर इंडिया गठबंधन हो, उन तमाम पार्टियों को सत्ता से बाहर करना होगा, तभी जा करके बिहार का भला होगा। ऐसे में प्रशांत किशोर के टीम से एक व्यक्ति हम इनसे बातचीत करें। सर, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मोहम्मद उस्मान हुआ। अच्छा, आप शायरी के माध्यम से सर मंच पर पूरा माहौल जमा रहे थे, हम चाहते हैं कि आप शायरी और कुछ गुनगुना दें पहले, उसके बाद जरा बात करेंगे और आपसे। देखिए, मैं एक वो चीज़ बयान मैंने गुनगुना के बता रहा हूँ कि एक समय वो था कि हम लोग किस तरह से एक भाईचारा की तरह से पूरे देश के अंदर में रह रहे थे। आज धर्म परिवर्तन हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, लेकिन हम आपके भाई हैं। जिंदगी का हर लम्हा साथ में गुजारा था, जिंदगी का हर लम्हा साथ में गुजारा था, आज मैं पराया हूँ, कल तो मैं तुम्हारा था। काश ये खबर होती कि साथ छूट जाएगा, मैं सदा नहीं सुनता जब आपने पुकारा था। जो सर प्रशांत किशोर जो विजन लेके चल रहे हैं बिहार में, बिहार में प्रशांत किशोर के लिए जमीन है राजनीति करने के लिए? बहुत बड़ी जमीन है, यहाँ पे किसी की भी जमीन नहीं थी, लेकिन जमीन बनाई जाती है, और जमीन तब बनाई जाता है जब जनता को आप विश्वास में लेते हैं। आज जो है आज़ादी के बाद से जो जमीन कांग्रेस ने यहाँ बनाई थी, जो आज़ादी के बाद से 40 साल हुकूमत करने के बाद भी लोग कांग्रेस से जब त्राहिमान हो गए तो अपना विकल्प ढूंढ रही थी, और उस विकल्प के माध्यम में जो है लालू प्रसाद जी आए, जो राष्ट्रीय जनता दल बनी वगैरह सब कुछ बनने के बाद लालू जी आए, 15 साल की सरकार चलाई। 15 साल की सरकार में जो हुआ उसका तो सारी दुनिया जान रही है। तीसरा विकल्प फिर लालू जी से ऊप होने के बाद तीसरा विकल्प नीतीश जी को लाया गया, और नीतीश जी भी आए तो अपना एक उन्होंने अपने हिसाब से बिहार में एक कुछ नई रेखा खींची, और वो नई रेखा इन्होंने पंचायत के चुनाव में आरक्षण को लेके खींची। आरक्षण दिया थी पिछड़ों को और दलितों को जो आरक्षण दिया, वो आरक्षण इसका एक पैमाना बनाया उसने, और उस आरक्षण के माध्यम से उन्होंने 2005 में के चुनाव। मेरा सवाल ये है, ये सुन लीजिए, अब हम प्रशांत किशोर की बात कर रहे हैं। मैं बात कर रहा हूं। आप बहुत लंबा ले जा रहे हैं प्रशांत किशोर। सवाल सुनिए ना, प्रशांत किशोर जो बात कर रहे हैं जाति आधारित जनगणना की, बहुत बड़ा बड़ा बात कर रहे हैं। अभी एक केंद्र सरकार ने वक्फ वोट बिल लाया है, आप उस मसले पे कहाँ है, प्रशांत किशोर मसले पर कहाँ है, क्या केंद्र सरकार के साथ है या केंद्र सरकार के खिलाफ है? देखिए, ये किसी के साथ नहीं है, ये सिर्फ अपने विचार के साथ है, आम जनता के साथ है। वक्फ बोर्ड पर आपकी क्या राय है? अब वक्फ बोर्ड की सवाल है कि वक्फ बोर्ड में जिन्होंने संपत्ति, अपनी संपत्ति वक्फ की, वो संपत्ति किसकी थी,
और जब वो संपत्ति आम जनता के लिए आपने वक्फ किया तो उस संपत्ति का देख रेख भी भारत सरकार जो है सुन्नी वक्फ बोर्ड शिया वक्फ बोर्ड बना करके उसकी देखभाल कर रही है। और उस बोर्ड से उस संपत्ति से आम जनता को कितना लाभ है, वो संपत्ति कितना बचा हुआ, अगर सरकार उसको खोज रही है तो बिल्कुल दुरुस्त खोज रही है, यानी कि सही कर रही है, सही कर रही है, यानी कि आप समर्थन में हैं। हम समर्थन में है कि वो अगर जो संपत्ति केंद्र सरकार जो काम कर रही है वो सही कर रही वो है। वो संपत्ति अगर मुसलमानों के वक्फ किया था, अगर उस संपत्ति का बंटवारा, उस संपत्ति का जो उपज उस आम जनता तो हो जाती तो आज कोई भी मुसलमान बेघर नहीं होता, भिखारी नहीं होता, रोजगार से। इसलिए जरूरी है आप हिसाब सरकार को दे दीजिए, बस सीधी सी बात है। यहाँ हमारे पास इतना संपत्ति मिला है, हम उसकी देख रेख कर रहे हैं, ये संपत्ति का है, ये देना चाहिए, क्यों नहीं दीजिएगा आप। एक और सवाल है, देश में जाति आधारित जनगणना की मांग उठ रही है, प्रशांत किशोर जाति आधारित जनगणना के खिलाफ है या समर्थन में? नहीं, समर्थन में है, जाति जनगणना होना चाहिए। सब कहते हैं कि हम इतना है, हम इतना है, अगर जनगणना हो गई, जितना जनगणना हुआ मैं उसको मान, जनगणना के होने का मतलब है कि आपको जनगणना के हिसाब से राजनीतिक लाभ मिला या नहीं मिला। आज मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ जो है जो सबसे दलित समाज के मुसलमान है, जिसकी आबादी यहाँ करीब करीब 20 लाख है, उसका कोई पुरुषार्थ नहीं है, नहीं आ सका आजादी के बाद से। आजादी की कुर्बानी में इन्होंने भी कुर्बानी दी है, सब कुछ किया है, लेकिन ये कहाँ है, जिसका एक वो एक कुर्बानी नहीं है वह सत्ता पर भागीदारी है। इसीलिए मेरा सवाल उठाता है कि मुसलमानों में जो सबसे शेड्यूल मुसलमान, जो सबसे पिछले पायदान में मुसलमान है, उनको हक मिलना चाहिए। एक दोस्त इस बात के लिए सक्रिय है और कह रहे हैं कि हम ये करेंगे। आप शायराना अंदाज में बहुत कुछ बोलते हैं सर, एक दोस्त शायरी चाहते हैं आपसे। नहीं देखिए, अब शायरी अब उतना क्या, अब तो हो ही गया, अब हम इसे थोड़ा सा गला बैठ भी गया है, कभी मौका मिले तो सब बात को लेना चाहिए। और मेरा ये कहना है कि आने वाले बिहार में जो नए स्वरूप से आना चाहिए, आज बिहार में भ्रष्टाचार है, अपहरण है, हत्या का है, तमाम चीज़ें हैं, वो सब सरकार के माध्यम में है। अगर आज ये सरकार को बदलनी जरूरी है, अहंकारी सरकार हो गई है, इसलिए आज नरेंद्र मोदी या नीतीश कुमार, ये सर बिहार की सरकार में बिहार की सरकार है, नीतीश कुमार अहंकारी। देखिए नीतीश कुमार भी अहंकारी है, लालू भी अहंकारी हैं, उनके औलाद भी अहंकारी हैं, वो कहते हैं कि हम विधायक हैं, हम ये हैं। अरे भैया, आम जनता की तरह से जियो, आम जनता की तरह से रहो, तब लोग आपको माने। हम कह रहे कि बाप को भी माना मंत्री, मुख्यमंत्री माना, बीवी को भी माना, अब बेटा को भी मान लो, लेकिन हम इतना पढ़े शिक्षित लोग हैं, हमारी बात क्यों नहीं मानोगे? तुम मुझे भी मौका दो, और भी गरीब का बेटा, उसको मौका देना चाहिए। चलिए, तो हमारे साथ में क्या नाम बताया सर? मेरा नाम मोहम्मद उस्मान हुआ। मोहम्मद उस्मान थे, और इनका कहना है कि वक्फ बोर्ड पे जो केंद्र सरकार ने फैसला लिया है पता करने का, वक्फ बोर्ड मामले में प्रशांत किशोर जो हैं केंद्र सरकार के साथ हैं, और जाति आधारित जनगणना में कहा इन्होंने कि पूरे देश में जाति आधारित जनगणना होनी चाहिए। बहरहाल, आपको बातचीत कैसा लगा, प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।